हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर जो है यह है रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, 1857 का विद्रोह। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 1857 का विद्रोह था क्या। ठीक है, ये एक आर्मी रिवॉल्ट माना जाता है जो भारत में सैनिकों के द्वारा, आर्मी के द्वारा शुरू किया गया था 1757 के बाद, जब प्लासी की लड़ाई हुई। उसके बाद जब अंग्रेज़ों का भारत में अधिकार होना शुरू हो गया तो अंग्रेज़ों ने भारतीयों का शोषण करना शुरू किया हर तरीके से, पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली। और वो शोषण जो कर रहे थे उसके लिए भारतीयों ने काफ़ी संयम बरता, काफ़ी टॉलरेट किया इसको, लगभग 100 साल तक उसको टॉलरेट किया। यानी कि 1757 से लेकर के 1857 तक भारतीयों ने टॉलरेट किया, बर्दाश्त किया। लेकिन 1857 में सारी जो लिमिट जो थी वो क्रॉस हो गई थी। अब भारतीयों का जो टॉलरेट एबिलिटी जो थी वो नहीं रही, तो फिर होता है एक रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857। और इसकी शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। सबसे पहला आर्मी रिवॉल्ट की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1806 में तमिलनाडु के वेलोर में। ये रिवॉल्ट क्या था? ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे वो अपने सर पर पगड़ी पहना करते थे और माथे पर तिलक लगाया करते थे। लेकिन ब्रिटिश आर्मी ने कुछ रिफॉर्म किए, कुछ चेंजेस किए और लेदर हैट्स इम्प्लीमेंट किए और जो माथे में तिलक लगाते थे उसको भी बैन कर दिया। और ये कहा गया कि भारतीय सैनिक अपने माथे पर कोई तिलक नहीं लगाएंगे और ना ही कोई वो पगड़ी पहनेगा, पगड़ी की जगह वो लेदर हैट्स पहनेंगे जो हमने इम्प्लीमेंट किए। और भारतीय सैनिकों ने ही उस हेड्स को पहनने से इनकार कर दिया था वेलोर में ही, और इस बात का भी विद्रोह किया था कि वो क्यों नहीं माथे पे तिलक लगा सकते हैं। और इसी विद्रोह को भारत का सबसे पहला आर्मी रिवॉल्ट माना जाता है। 1857 के रिवॉल्ट का जो सिंबल जो था वो था लोटस एंड ब्रेड, ठीक है, कमल और रोटी। और इस रिवॉल्ट की स्ट्रेटजी की बात करें तो ये स्ट्रेटजी बनाई गई थी रनोजी बापू एंड अजी मुला खान के द्वारा लंदन में। और ये डिसाइड किया गया था कि 31 मई 1857 को हम ये रिवॉल्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये रिवॉल्ट 31 मई 1857 से पहले ही 10 मई 1857 को शुरू हुआ, और ये ही एक मुख्य रीज़न था इस रिवॉल्ट का फेल होने का। और उस समय की अगर हम बात करें तो ब्रिटेन का पीएम जो था वो था पॉमस्टन और गवर्नर जनरल था भारत में लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटिश क्राउन कौन था? क्वीन विक्टोरिया। मुगल एम्परर की बात करें तो हम सब जानते हैं बहादुर शाह जफ़र, और बहादुर शाह जफ़र का सेनापति कौन था? वो था बख्त खान, ठीक है। अगर ब्रिटिश आर्मी चीफ की बात करें तो वो था जॉर्ज एनिसन, ठीक है। लेकिन जब रिवॉल्ट शुरू होता है तो जॉर्ज एनिसन की जगह कॉलिन कैम्पबेल को नियुक्त कर दिया जाता है। 1857 का रिवॉल्ट जो था ये काफ़ी फेमस था, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध था, और बहुत सारी बुक्स जो थी वो इसमें लिखी गई। आइए तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 1857 एस एन सेन के द्वारा, द वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय वी डी सावरकर, द सिपाही म्यूटिनी ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857 आर सी मजूमदार, एंड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नरोजी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर लिखी गई थी। अब हम बात करते हैं ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 के होने के क्या कारण थे, कैसे ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। इसके पीछे बहुत सारे कारण थे, कुछ पॉलिटिकल रीज़न थे, ठीक है, कुछ आर्थिक रीज़न थे, कुछ सामाजिक रीज़न थे और कुछ रिलीजियस रीज़न भी थे। अगर हम बात करें पॉलिटिकल रीज़न की तो हम सब जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के सब्सिडरी ऑफ अलायंस, जिसके तहत ब्रिटिशर क्या करते थे, जो कमज़ोर राजा होते थे उनके साथ सहायक संधि किया करते थे और उसके बदले में उन्हें सैनिक की मदद करने के लिए आश्वासन दे दिया करते थे। उसे ही सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि कहा गया है। और दूसरी साइड लॉर्ड डलहौसी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दो मुख्य पॉलिटिकल रीज़न थे जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। लोगों के अंदर पहले से ही ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा था लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था, अब जो है वो बाहर आने लगा। रिवॉल्ट करने के लिए एक सॉलिड रीज़न चाहिए था, ठीक है, अब वो रीज़न हमें मिला। अगर हम बात करें इमीडिएट काज ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, 1857 तक ब्रिटिश आर्मी में एक लकड़ी की बंदूक हुआ करती थी, वुडन राइफल का इस्तेमाल किया जाता था जिसे कहा जाता था ब्राउन बेस। लेकिन उसके बाद
ब्राउन बैस की जगह एक लोहे की बंदूक का इस्तेमाल किया जाने लगा जिसका नाम था इनफील्ड राइफल। इसे एनफील्ड राइफल कहा जाता था। इसी एनफील्ड राइफल में जो डालने वाली कारतूस थी वो बुलेट थे उसका कार्ट्रिज गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था और उसके खोलने का एक ही तरीका था, दांतों से वो खोला जाता था। उसका जो कार्ट्रिज जो था वो गाय और सूअर की चर्बी से बना होता था और उसे खोला जाता था मुंह के साथ। और हम सब जानते हैं हिंदुओं में गाय की चर्बी का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है, वहीं मुस्लिम में भी सूअर की चर्बी का इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। शुरू में तो किसी को ये बात पता नहीं चली, लेकिन जब ही ये बात पता चलती है तो सबसे पहला इंसिडेंट होता है। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा मना कर दिया जाता है कि हम वो एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये 34th नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था, क्योंकि इसमें जो कैटरीज जो है वो उन चर्बी का बना हुआ था, इसीलिए उसने मना कर दिया कि हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही मंगल पांडे ने मना किया, इनकार किया रॉयल इनफील्ड को चलाने के लिए, तो इसी की बटालियन के लेफ्टिनेंट वाक के द्वारा इसे ज़ोर ज़बरदस्ती की गई और इसे मजबूर कर दिया गया कि इन कारतूसों का इस्तेमाल करने के लिए। जब ऐसा हुआ तो मंगल पांडे ने अपने ही बटालियन के लेफ्टिनेंट वाक को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। जैसे ही मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट वाक की हत्या कर दी गई तो उसे अरेस्ट कर दिया गया और याद रखेंगे 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। ओके फ्रेंड्स, अब कारतूसों में चर्बी है ये बात आग की तरह फैलनी शुरू कर गई। अब 24 अप्रैल 1857 में मेरठ में 99 सोल्जर ने भी मना कर दिया इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने को, ठीक है। और ये 99 सोल्जर जो थे ये बिलोंग करते थे 3rd नेटिव इन्फेंट्री से, ठीक है। और इन सभी सोल्जर्स को 99 सोल्जर को भी अरेस्ट कर दिया गया और इन्हीं पर मुकदमा चला के 99 सोल्जर में से 85 को उम्र कैद की सज़ा सुनवा दी। 18 मई 1857 को मेरठ कैंट के सभी सैनिक इकट्ठे हुए जिसका नेतृत्व कदम सिंह कर रहा था। सभी सैनिकों ने सारे सैनिकों ने अपने ही अधिकारियों पर गोलियां चलाई। जहां पर उन 85 सोल्जर्स को कैद किया गया था ये वहां पर पहुंच के उन्होंने उन्हें मुक्त करवा दिया और घोषणा कर दी 10 मई 1857 की ही रात को रिवॉल्ट ऑफ 1857 की। लेकिन हमने पहले भी ये पढ़ा था 31 मई को रिवोल्ट की शुरुआत हो रही थी, ठीक है। तो लेकिन मेरठ में ही 10 मई 1857 को ही रिवोल्ट शुरू हो गया, ये बात किसी को नहीं पता थी सिवाय मेरठ के। इसीलिए विद्रोही चाहते थे कि ये बात जल्दी से जल्दी पहुंची जाए दिल्ली पर और सारे ही विद्रोही हाथों पे मशाल लेकर मेरठ से दिल्ली के लिए निकल पड़े। और दूसरे दिन सुबह 11 मई 1857 को ये सभी पहुँच गए रेड फोर्ट पर और रेड फोर्ट पर ब्रिटिश के झंडे को निकाल कर मुगलों का झंडा लगा दिया और भारत का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया बहादुर शाह जफर को और इस रिवोल्ट का लीडर ही बना दिया गया बहादुर शाह जफर को। 11 मई 1857 को जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर जो था वो बना दिया गया बहादुर शाह जफर को। लेकिन उसके अगले दिन बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर दिया गया लेफ्टिनेंट निकल्सन और लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा। इसको अरेस्टेड कहाँ से किया गया था, हुमायूं टॉम्ब से इसको अरेस्ट किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ विद्रोह करने का मुकदमा लगाया गया बहादुर शाह जफर पे और इसको अरेस्ट कर दिया गया। और याद रखेंगे 19 सितंबर 1857 को इसे रंगून भेज दिया गया, ठीक है, और मुगल अंपायर जो था वो पूरी तरीके से अबोलिश कर दिया गया। और वहीं पे 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु होगी, बहादुर शाह जफर वाज डाइड। उसके बाद बहुत सारी जगहों पर विद्रोह किए गए, ठीक है। अगर हम मेरठ की बात करें तो मेरठ में रिवोल्ट किया गया कदम सिंह के द्वारा और रिवोल्ट को कंट्रोल किया गया कोलन कॉम्बल के द्वारा, ठीक है। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और उसका सेनापति भक्त खान के द्वारा रिवोल्ट किया गया था और निकल्सन एंड हडसन के द्वारा उसको कंट्रोल किया गया। अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में राव तुलाराम ने रिवोल्ट किया था और इसको कंट्रोल किया गया निकल्सन एंड हडसन के द्वारा, ठीक है। मथुरा में रिवोल्ट किया देवी सिंह के द्वारा, ये रिवोल्ट हुआ और इसको कंट्रोल किया गया कोलिन कॉम्बल के द्वारा। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में रिवोल्ट किया गया था नाना साहिब के द्वारा और तांत्या टोपे के द्वारा और इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया गया कोलिन कॉम्बल के द्वारा। और अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में बेगम हज़रत महल के द्वारा रिवोल्ट किया गया और इसको कंट्रोल किया गया कोलिन कॉम्बल के द्वारा। झांसी की बात करें
तो झांसी में रिवोल्ट किया गया रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, और इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया गया कैप्टन हुरोज के द्वारा। अगर हम फैज़ाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद में रिवोल्ट किया गया मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा, और इसको कंट्रोल किया गया बाय जनरल रेनॉल्ट। अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर से रिवोल्ट किया गया गजोदर सिंह के द्वारा, और इस रिवोल्ट को कंट्रोल किया गया जनरल रेनॉल्ट के द्वारा। आलाबाद से रिवोल्ट किया गया लियाकत अली के द्वारा, और इसको कंट्रोल किया गया कर्नल नील के द्वारा। अगर हम बात करें जगदीशपुर, तो जगदीशपुर में रिवोल्ट जो था वो स्टार्ट किया गया कुंवर सिंह के द्वारा, और इसको कंट्रोल किया गया विलियम टेलर एंड विंसन आयर के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद और बरेली में खान बहादुर के द्वारा रिवोल्ट किया गया, और इसको कंट्रोल किया गया विंसेंट आयर के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ हमारे जगह यहाँ पे रिवोल्ट हुए 1857 के। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक रिवोल्ट ऑफ 1857। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस लेक्चर में रिवोल्ट के बारे में हमने स्टार्ट कैसे हुआ, कौन कौन सी जगह में ये रिवोल्ट चला, ठीक है, उसके बारे में डिस्कशन किया। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।